वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अभिषेक सिंह पिंकर। अज गल असी फिर श्री अकाल तख्त साहब कर रहे हैं। सरकार से बड़िया आसा सी किसी कौम कहीं तो कहीं कि इंसाफ मिलेगा, पर खाली हाथ बन गए। फिर भी दिल में बहुत आस है कि सरकार असं मत्था लाने, हर साल उन्होंने शहीदों को याद करते जेडे धर्म की रक्षा करते हुए इस दुनिया तो शहीदियां प्राप्त। असी गल करांगे बीबी रणजीत कौर जी, सीनियर नेता श्रोमणी अकाली दल बहादुर जी। पर बीबी जी एक जज्बा देखा कौमी कि बीबी जी दिन रात कौम ले तुरे रहते सड़कों पर। उन्होंने कभी यह गल सोची नहीं कि मैं किस अकाली दल दी हाँ, अज दिन है जां अज रात है। उन्होंने सिर्फ कौम की गल की, कौम की गल करने वास्ते हमेशा तत्पर तत् रहते हैं। बीबी जी थोड़ा जथेदार टीवी पर बहुत बहुत वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। बीबी जी असं जानना चाहते कि सू 38 साल हो गए जंग लाते, असी पाया की खोया की। देखो जो असं पुराने पास सोचते हाँ ना तो उदो लगता है कि जिमें है तो सा अपना देश, पर बड़ा बेगाना लगता है क्योंकि एक साडा जरा सब तो सर्वोच्च धार्मिक स्थान है श्री दरबार साहब, जो वे कांग्रेस वालों इंदिरा गांधी वालों हमला करा दिता जाता है। जिहड़े अंदर दर्शन करन गए सी उन्हां दा की कसूर है, और जिहड़े अंदर कभी अज तक सोचा नहीं, क्योंकि मैं एक गल पढ़ रही सी कि क्योंकि उहदे विच मैं पढ़ रही सी कि उहदे विच दिखाया जा रहा सी कि जिस तरह अगर कहते हैं कि बेसमेंट विच पिंडरा वाले सी ते फिर गुंबद ते क्यों अटैक किया गया, तो बहुत सारिया गल्लां हो जाने जिन्हां नूं देखना पेगा। जिस तरीके नाल असीं देखते हाँ कि इन्ने साल पहले, क्योंकि उदो असीं यंग सी अपने कॉलेज पढ़ते सी, ते आपां नूं हैरानी होई कि जिहड़ी साडी सिखां दी सर्वोच्च संस्था है, जो असीं एक सैकुलरिज्म कंट्री च रहिंदे हां जिथे सारे धर्मां दा सत्कार हुंदा है, अनेकता में एकता जिहनूं बोलदे हां, तो उत्थे साडे ही धर्म दे और साडे उस धर्म स्थान ते क्यों अटैक कीता गया। क्योंकि जदों इस तरह का अटैक हुंदा है ते सिखां दे हिरदे जिहड़े मलूंद रहि गए, और यह सुन के लगता है कि जिमें यह देश कभी कभी बेगाना लगता है, अपना लगता ही नहीं, क्योंकि जो यह हरकत होंगे ने तो एवं लगता है कि वो देश साडा नहीं है। और दुख लगता है देख के, क्योंकि मैं उन्होंने प्रीतम कौर खालसा जी भी मिली हुई हाँ, जिन्हों का 18 दिन का बेटा तो उन्होंने पति उन्होंने गोली वजी, पहले बेटे को वजी फिर पति ने वजी, तो फिर उस उन्होंने उत्थे शहीद हो गए, और खुद भी कितने साल जेल चले, इन्ने तो शस्त्र सहे हैं साढ़े इस तरह भैन भरावान ने बच्चों ने। तो यह देख के दिल में दुख होंगे कि सरकार साढ़िया ना कदे सकियां सी बहुत जरूरी एकता है, क्योंकि मैं समझ आती है जो पंजाब है क्योंकि कोई कांग्रेस वाल चला जाता है, कोई बीजेपी वाल चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, जब तक पंथक एकता श्री अकाल तख्त साहब के जो जथेदार ने उन्होंने अंडर आके सारे मिल के कोई अपनी गल करे तो सरकार भी ताई डरदी है, क्योंकि यूनिटी तो ही सरकार डर दी, उन्हें सरकार नहीं डर दी। तो सामने किन्ने साल तो बंदी सिंह जो जेलों में उन्होंने खत्म हो चुकी ने, सजा खत्म हो चुकी, तभी उन्होंने नहीं छड़ते, क्योंकि उन्होंने कितने ना कि डर है सरकार कि बाहर आएंगे तो पता नहीं लोग इन्हों के रिस्पोंस देंगे, तो साडे सरकार भी सारी सरकार हिल जाएगियां। इस करके इस तरह का कोई भी जरा काम नहीं हो रहा, लेकिन पंथक एकता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, क्योंकि जो इकट्ठे होवेंगे तो ताई स्ट्रेंथ बनेगी। सर बीबी जी एक मैं तो जानना चाहता सी कि तुसी एक गुरसिखी नाल प्यार करते हो, अथा तुहाडा प्यार गुरसिखी नाल है, धर्म प्रचार तो अजे लगता नहीं कि असी थोड़ा पिछे रहे। देखो धर्म प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मैं लगता है कि आप वैसे लैकिंग तो हैगी साडी इत्थे, क्योंकि अगर असी प्रचार घर घर अपने बच्चों धर्मशाला घर घर धर्मशाला आपां खुद नूं अपने उपर लैके प्रचार करना बहुत जरूरी है, बच्चों तक अपना इतिहास पहुँचाना बहुत जरूरी है, बच्चों को गुरमुखी नाल जोड़ना गुरमत नाल जोड़ना बहुत जरूरी है। बीबी जी मेरा एक सवाल है, मैं चाहना भी जिस तरह तुसीं कौम की सेवा करते आ रहे हो बेधड़क होकर निधड़क होकर आप सेवा करते, क्या लगता दिन रात ये भी कौम के नाम? बिल्कुल फैसला ही किया है कि जब संगत ने एक मैंडेट दिता है, संगत ने सानू चुन के भेजा है, और संगत की सेवा करना साडा पहला फर्ज है, और वह करांगे धर्म के नाम से करांगे।
ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ 24x7 ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IAS IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 5 ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਮੂਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਰਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਔਰ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢ ਕੇ 5 ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IAS IPS ਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਈਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ 101% ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ